कन्हैयालाल की जय, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे हो दुनिया बावरी, कुवत जना मागमार, जन्मागमार। री हो दुनिया बावरी, खुवत जन्मागमार, हो खुवत जन्मागमार। मत माती माया की छाकी, मत माती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार, हो सुनत नहीं पुकार। री हो दुनिया बावरी, कुवत जन्मागमार, हो कुवत जन्मागमार। सत सबद को कोई ना चिन्हे, सत सबद को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय संभार, हो सुने हृदय संभार। री हो दुनिया बावरी, कुवत जन्मागमार, हो कुवत जन्मागमार। री हो दुनिया बावरी, कुवत जन्मागमार, हो कुवत जन्मागमार। समझे साथ जो आपको देखी, समझे साथ जो आपको देखी, तामे बड़ी अधार, हो तामे बड़ी अधार। री हो दुनिया बावरी, कुवत जन्मागमार, हो कुवत जन्मागमार। री हो दुनिया बावरी, कुवत जन्मागमार, हो कुवत जन्मागमार। तब वल नाचे इन नारी को, तब वल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगा, हो लोप न सके लगा। री हो दुनिया बावरी, कुवत जन्मागमार, हो कुवत जन्मागमार।
अपनी मत ले ले साधु बोले, अपनी मत ले ले साधु बोले, सबर भय अपार हो, सबर भय अपार रे हो दुनिया बावरी, कुवत जना मागवार हो, कुवत जना मागवार, बहुत सबद को अर्थ न उपजे, बहुत सबद को अर्थ न उपजे, या बल सुपन धुतार हो, या बल सुपन धुतार रे हो दुनिया बावरी, खोवत जना मागमार हो, खोवत जनमागमार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माया माया ईश्वर ते होत है न्यारे, न्यारे होत तिन देह, अद्वैत को प्रालब्ध लगावे, देखा ज्ञान बड़ा ब्रह्म एह, देखा ज्ञान ब्रह्म बड़ा एह, तीन शरीर उड़ावे मुखते, आप होत हैं ब्रह्म, पूछे ते कहे हम भोगबे, प्रालब्ध जो कर्म, प्रालब्ध जो कर्म। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, माया ईश्वर ते होत है न्यारे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहने भाइयों, देखिए माया, माया छाया काया तीनों एक जैसे शब्द हैं और एक ही तरह की उनकी उत्पत्ति है। माया की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छा से हुई। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थकी। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रारंभ में ही रास ग्रंथ में कहा कि माया अत्यंत बलशाली है, बलवंती है, और इसकी उत्पत्ति मूलधनी से ही हुई है। धनी ने अक्षर को कहा, अक्षर ने अव्याकृत को कहा, अव्याकृत के द्वारा प्रकृति फिर पैदा होती है नारायण भगवान की इच्छा शक्ति के माध्यम से। तो देखिए माया की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से परमात्मा से ही हुई है। तो फिर माया के साथ छाया है, जहाँ भी आप खड़े होते हैं तो परछाई बोलते हैं ना छाया को, वो परछाई दिखलाई देती है, आपकी परछाई, वो भी एक काल्पनिक है पर है तो सही, दिखती है, उसका अस्तित्व दिखता है, छाया के रूप में कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, और पकड़ने जाओ तो कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आता है, बस दिखलाई दे रहा है, कुछ दिखलाई दे रहा है। ऐसे ही माया भी है, इस माया को बहुत कुछ देखा जाता पर पकड़ना चाहो तो माया पकड़ में नहीं आती है, अंत में सबको निराश होकर के दुनिया से जाना पड़ता है।
कितने माया बटोरने वाले धन के रूप में आप देखिए, बड़े बड़े आलीशान मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी जमीन लेकर के रहते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं ना, जो बड़े धनाढ्य लोग हैं वो बड़ी सारी जमीन लेकर के, कई एकड़ जमीन लेकर के फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ जा कर के रहते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, यार दोस्तों को बुलाते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, कई कई वहाँ मनोरंजन करते हैं। पर देखिए फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की गाड़ियाँ, कीमती कीमती गाड़ियाँ, एक नहीं, दो नहीं, चार, दस दस शौकीन, गाड़ी के शौकीन होते हैं, कई लोग मकान के शौकीन होते हैं, तो बड़े सारे रूम बना लेते हैं, थिएटर रूम भी घर में ही बना लेते हैं, थिएटर देखने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, घर के अंदर ही थिएटर रूम भी है, सब कुछ है। ऐसे ही पूरी पूरी सुविधा लोग कर लेते हैं, पर ये सारा माया का खेल है। इतना कुछ बटो रहा, जब जाएंगे तो खाली हाथ, कुछ नहीं जाएगा साथ में, वहीं का वहीं धरा रह जाता है। बैंक में कितना पैसा आपने बैलेंस करके रखा है वो भी वहीं रह जाता है, साथ नहीं जाता, कुछ साथ नहीं जाता है। देखिए माया भी छाया ही है ना, काल्पनिक है, जब तक उसमें आप डूबे हुए हैं लगता है यही सब कुछ है, यही वास्तविक है, इससे परे कुछ नहीं ऐसा लगता है। पर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपको लगता है कि ब्रह्म ज्ञान ही सब कुछ है, बाकी ये सब तो क्या है कि थोड़ी देर का सुख है, थोड़ी देर की मौज मस्ती है, थोड़ी देर का आराम है, बाकी तो ये सब मनोरंजन है। तो देखिए काया, छाया, माया और काया, काया शरीर को कहते हैं, शरीर से कितना मोह होता है, मेरा शरीर, मेरा शरीर। जब हाथ पांव फटते हैं तो हम लोग धो धो करके दवाइयां लगाते हैं, मेरा हाथ नहीं फटना चाहिए, ठंडी में होता है ना ये सब, पांव नहीं फटना चाहिए, तो पांव को भी धो करके साफ करके कुछ ना कुछ मलम पट्टी उसमें भी किया जाता है। तो आप देखिए कि कुछ कुछ लोग केयरलेस होते हैं ना, पांव फटे तो फटने दो, धोते ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं केयर नहीं करते हैं अपने शरीर का, पर अधिकांश लोग केयर करते हैं कि मेरा शरीर ठीक ठाक रहना चाहिए। तो देखिए उसकी सजावट के लिए बड़ा खर्चा हो जाता है, तैयारी उसकी ठीक ठाक रखना। पर ये शरीर भी धीरे धीरे धीरे, कितना ही आप ध्यान रखो, कुछ समय बीतने के बाद चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगती है, उसको कोई हटा नहीं सकता। कोई कई कई लोग सर्जरी करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और कुछ करते हैं, पर बुढ़ापे आती है तो आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, किसी हालत में रोक नहीं सकता। देखिए आप कि चेहरे में झुर्रियाँ पड़ना, आँखों में जाली लग जाना, कैटरेक्ट लग जाना, ये भी बुढ़ापे की निशानी है। फिर आप देखिए कि कानों से कम सुनाई देना, ये भी बुढ़ापे की निशानी है कि कान में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, नाक में सुगंध लेने की क्षमता कम हो जाती है, जीभ लड़खड़ाने लगती है, शरीर ही लड़खड़ाने लगता है। बुढ़ापे आते आते अब शरीर दो पांव से खड़ा नहीं होता है तो लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है। ये सृष्टि का एक खेल है, सृष्टि का एक नियम है कि धीरे धीरे उस अवस्था में हर कोई जाएगा, चाहे अनचाहे जाना ही पड़ता है। कोई बुढ़ापे को पसंद नहीं करता कि मैं बुढ़ा हो जाऊं, ऐसा कोई पसंद नहीं करता है, मैं जवान ही रहूं, ताकतवर रहूं, स्वस्थ रहूं, यही सोच लेकर के हर कोई चलते हैं। परंतु समय है कि आपको बुढ़ापे की ओर धकेल देता है धीरे धीरे धीरे। आज का समय गया, कल का समय गया, परसों का समय गया, समय जाते जाते हम अपने आप ही उस
क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। कोई हमें प्रवेश नहीं कराता, हमारी आयु हमें उस ओर प्रवेश करा देती है। तो बाद में तो देखिए ये शरीर भी फिर एक दिन छूट जाता है, आत्मा इसको छोड़ देती है। जब आत्मा देखती है शरीर एकदम बुढ़ा हो गया, निकम्मा हो गया, अब चलने और खाने लायक नहीं है, पचाने लायक भी नहीं रहा ये शरीर, तो आत्मा उसको छोड़ देती है। माया, माया को यहीं छोड़ करके आत्मा निकलती है, जीव निकलता है जहाँ उसकी गति है। तो देखिए काया, माया, छाया, ये तीन के तीन काल्पनिक हैं। जब तक उसको भोग रहे हैं सच लगता है, सही लगता है, यही सब कुछ है, ऐसा भी अनुभव होता है। परंतु एक दिन अंत तो गत्वा लगता है कि ये सब काल्पनिक है, थोड़े समय का सुख है, निरंतरता इसमें नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की ओर, आत्मा चिंतन की ओर, परमात्मा चिंतन की ओर झुकना चाहिए, ताकि निरंतरता उसी में है, वास्तविकता उसी में है, प्राप्ति उसी में है, फल उसी में है, उस ओर अग्रसर होना चाहिए। तो श्री जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, माया ईश्वरते होत है न्यारे। ब्रह्मज्ञानी आए हुए हैं ना श्री जी के पास शास्त्रार्थ करने के लिए, धर्म चर्चा करने के लिए। सूरत महामंगलपुरी की ये जो है, जो कुछ घटना है वहाँ की है। तो श्री जी महाराज से कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मरूप हो गए हैं, माया से हम अलग हैं, माया हमको छू नहीं सकती है, ऐसा भी लोग कहते हैं। ईश्वर जैसे ही हम हो गए, अहम ब्रह्मास्मि कहते हम ब्रह्मरूप हैं, तो ईश्वर रूप हो गए ना, हम ईश्वर रूप हो गए। तो इस तरह से अपने होने के लिए, और कई कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि त्रिदेव तो सृष्टि करते हैं, हम सृष्टि से भी परे हो गए, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। होता है न्यारे, न्यारे हो तो तीन देह और स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर से भी अलग हो जाते हैं, कि हमें स्थूल शरीर से कोई लेन देन नहीं, तो हमें सम भूख भी नहीं लगती है, दो तीन दिन खाते भी नहीं है, क्योंकि सोचते हैं कि स्थूल शरीर में हम नहीं जी रहे हैं। और ध्यान लगा के बैठते हैं तो घंटों ध्यान लगाते हैं, बोलते हैं हमारा मन भी चंचल नहीं होता है, और प्रवचन भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बुद्धि भी सक्रिय नहीं करते, हम बुद्धि से भी ऊपर उठ गए, हम मन से भी ऊपर उठ गए, तन से भी ऊपर उठ गए, ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, फिर ऐसे करते करते फिर एक दिन बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देखा देखी साधे जोग छीजे काया बाड़े रोग, देखा देखी साधे योग छीजे काया बाड़े रोग। देखिए योग साधना देखा देखी कोई कर रहा है, खुद का अनुभव नहीं है या किसी गुरु से सीखा नहीं है, बस देखा देखी योग साधना कर रहा है, तो शरीर कमजोर हो जाएगा, छीजे काया दुबला पतला हो जाएगा, बाड़े रोग, फिर रोग बढ़ जाते हैं, अंदर ही अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बिन खाए कोई रहेगा तो ये गैस्ट्रिक की बीमारी होती है ना, गैस्ट्रिक नाम की बीमारी शुरू हो जाती है, पेट खाली जब रहने लगता है तो ये बीमारी शुरू हो जाती है। फिर और भी बीमारियाँ हैं, जो समय से नहीं खाएगा, समय से भोजन नहीं करेगा, केवल इंजन को चला रहा है, पेट्रोल नहीं डालता है, तो मशीन कब तक काम करेगी, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। इसलिए अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, फिर बाद में बीमार हो जाते हैं तो फिर उनको पूछा जाए कि आप तो ब्रह्मरूप हो गए थे, अद्वैत हो गए थे, तो अभी बीमार कैसे पड़े, तो कहते हैं ये तो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का है, ऐसे प्रारब्ध करके पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसका फल हम भोग रहे हैं, या मेरे भाग्य में जो लिखा है वो हो रहा है, ऐसा कह करके फिर अद्वैत को प्रारब्ध से जोड़ना। देखा ज्ञान बड़ा ब्रह्म यह, ऐसे ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाले ब्रह्म तत्ववेत्ता ऐसे मेरे पास आ रहे हैं। श्री जी महाराज कहते हैं कि जब प्रारब्ध ही है तो फिर तीन शरीर से अलग हो गए ऐसा क्यों अनुभव करते हो।
प्रारब्ध ही भोग रहे हो, तो जो कुछ हो रहा है प्रारब्ध से हो रहा है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा अद्वैत चीज अलग है, प्रारब्ध अलग है, तीन शरीर से अलग होना ये और बात है, निराली बात है, ये सब को इकट्ठा मत करो। इकट्ठा करके गुत्थियों में मत उलझाओ, सबको अलग अलग करके स्पष्ट रूप से बताओ कि माँ कारण अवस्था क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, अद्वैत क्या है, प्रारब्ध क्या है, सबकी अलग अलग परिभाषा करो, एक साथ सबको जोड़ो मत। ऐसे कोट ब्रह्मांड होवे पल में। देखिए अद्वैत तो अक्षर ब्रह्म को कहा जाता है ना, द्वैत क्षर ब्रह्म है, अद्वैत अक्षर ब्रह्म है। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं, कोट ब्रह्मांड होवे पल में, आँख के पलक झपकते ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं। अक्षरात संभवती अविश्वम, कोटिशो हंडराशय, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाना मिटाना ये अक्षर का काम है। तो अद्वैत के हुक्म, ऐसे अद्वैत स्वरूप जो अक्षर भगवान है उनके हुक्म से ये सारा कार्य होता है, कार्य करने वाले स्वयं अक्षर बैठे हुए हैं। एक हावे ब्रह्म शुद्ध नहीं ब्रह्म घर के, पर जो ब्रह्म ज्ञानी श्री जी के पास आए हैं कहते हैं हमें क्षर अक्षर अक्षरातीत ब्रह्म की शुद्धि नहीं है। शब्द तो मिल जाते हैं शास्त्रों में, पर उनकी परिधि कहाँ है, उनका क्षेत्र कहाँ है, उनका स्थान कहाँ है, मोक्षधाम कहाँ है, हमें उसकी कोई शुद्धि नहीं है। उस अक्षर ब्रह्म की हमें शुद्धि नहीं है और अक्षर ब्रह्म के घर की भी हमें शुद्धि नहीं है। द्वैत अद्वैत नहीं गम, फिर उनको द्वैत क्या है अद्वैत क्या है ये भी पूरी तरह पता नहीं है। अद्वैत और द्वैत को भी मिला करके चलते हैं, द्वैताद्वैत कहते हैं ना, द्वैत भी है अद्वैत भी है, एक बाद है ना द्वैताद्वैत बाद, द्वैत को भी लिया अद्वैत को भी लिया, दोनों को मिला करके चला कि ब्रह्म भी है माया भी है, जगत में माया का भी विस्तार है ब्रह्म का भी विस्तार है। एक फिर अद्वैत सिर्फ अद्वैत का अनुभव करते हैं अद्वैतवाद कहते हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने चलाए अद्वैतवाद, उसमें द्वैत है ही नहीं, बस ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म की सारी लीला है, ऐसा करके। कुछ लोग शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है अद्वैत है, कुछ कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद ब्रह्म इस द्वैत से विशिष्ट है अद्वैत है, ऐसा करके भी कुछ लोग कहते हैं। और हमारे प्राणनाथ जी और सदगुरु ने कहा कि स्वलीला द्वैतवाद, ब्रह्म तो अपनी लीला में अद्वैत बने हुए हैं, तो ये सब बात है। तो जो लोग द्वैताद्वैत बात को लेकर के चल रहे हैं वो क्षर और अक्षर को एक ही बना देते हैं, जबकि क्षर की भूमिका अलग है भगवान नारायण के रूप में, अक्षर की भूमिका अलग है जो सृष्टि के नियंता हैं उनका स्थान अलग है। ए सुकमुनि बानी बोलिया वेदांत, फिर कहते हैं कि ये जो है सुकमुनि मतलब सुखदेव मुनि महाराज को कहा जाता है ना, उनकी वाणी भागवत है, ऐसे तो वेदव्यास की रचना है पर सुखदेव जी ने सबसे पहले उसकी कथा करके उसमें अमृत का सिंचन कर दिया सुखदेव मुनि महाराज ने, तो जो भागवत है उसमें भी वेदांत है। भागवत के पहले श्लोक में जन्मादस्य तन्वयादि तरतस्यार्थे स्वविज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत्सूरय तेजो वारी मृदा मेथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसमें क्षर ब्रह्म का अक्षर ब्रह्म का अक्षरातीत ब्रह्म का परिचय हो जाता है। जन्म आदस्य तन्वयादि तरतस, देखिए जन्म आदि यस्य अस्य यत अन्वयात इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। गुरु महाराज इसका बहुत सुंदर अर्थ करते थे, हम लोग तो उस समय विद्यार्थी थे फिर भी वो कहा करते थे कि याद किया करो, ये भागवत का पहला श्लोक बहुत गहन श्लोक है, इसी में क्षर अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान निरूपण किया गया है, तो इसको याद करके अन्वय करके इसको याद करो। तो जन्म आदि अस्य यत अन्वयात इतरत कहने से ये जो सृष्टि है क्षर ब्रह्मांड की जो सृष्टि है उस सृष्टि के विषय में क्षर ब्रह्म का परिचय दिया गया। फिर या आदि कवय करके अक्षर ब्रह्म का परिचय दे दिया गया। सत्यम परम धीमही करके परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म अक्षरातीत का परिचय दिया गया।
तो तीन ब्रह्म के द्वारा जगत कैसे ये झूठा संसार है परंतु असत हो से वे भी सत्य का आभास हो जाता है। जैसे क्या है कि मिट्टी और पानी का संयोग होता है, तो देखिए तो उसमें मिट्टी भी है पानी भी है, प्रकाश उसमें आता है तो अलग चमक उसमें दिखलाई देता है, प्रकाश के अभाव में उसमें वो चमक नहीं होता है। तो इस तरह से परमात्मा के आभास से विश्व प्रकाशित है, तो क्षर ब्रह्मांड स्वयं प्रकाशित नहीं है, अक्षर के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अक्षर को प्रकाश देने का आदेश अक्षरातीत देते हैं। जैसे शाम के समय में जब अंधेरा छा जाता है ना, तो एक जन कहता है बत्ती जलाओ बत्ती जलाओ। तो पहले तो ऐसा भी समय था कि लालटेन जलाने की प्रथा थी ना, यहाँ भी जब मैं आया यहाँ गुरु महाराज के चरण शरण में जब पूर्णकालिक सेवा करने के लिए आया, तब सब जगह बिजली की व्यवस्था नहीं थी। बिजली की व्यवस्था न होने से लालटेन इत्यादि भी जलाए जाते थे, और बिजली कब चली जाए कुछ पता ही नहीं लगे, और बिजली चली जाए तो छः छः घंटे आए ही ना, कभी रात के समय में भी बिजली ना आए तो लालटेन की व्यवस्था रखी जाती थी। तो उसको शाम होते होते फिर कोई ना कोई गुरुजी कहें या माताजी प्रभावती बाई कहते लालटेन तैयार करो सब जला करके, तो दिन में ही उसको साफ सफा करके उसका ग्लास सफा करके सब तैयार तेल उल डाल के तैयार किया जाता था, फिर शाम में उसको लालटेन को जला देना। जब ये आश्रम बना मंगलधाम, तो गुरु महाराज के नाम से इसका नामकरण हुआ, पहले आश्रम इसको कहा जाता रहा। यहाँ भी बड़े सारे लालटेन रखे जाते थे क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है, तो 15-20 लालटेन जब बच्चे लोग भी तैयार करते थे। फिर शाम होते होते एक बड़ा आदमी कहता है बत्ती जलाओ, तो सब लालटेन जलते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको वहाँ पर रख दिया जाता है। फिर देखिए फिर उससे प्रकाश निकलता है, जब प्रकाश निकलता है तो सब प्रकाशित हो जाता है ना, सारा रूम सारा हॉल प्रकाशित हो जाता है। तो इसमें तीन चीज़ें हुई, एक आदमी ने आदेश दिया लालटेन जलाओ, दूसरे ने लालटेन में तेल उल डाल करके बत्ती उत्ती तैयार करके उसने जला दिया, और तीसरे नंबर में उसका प्रकाश निकला तो सारा हॉल सारा एरिया प्रकाशित हो गया। ऐसे ही श्री राज्य महाराज ने आदेश दिया अक्षर को कि सृष्टि रचना करो, अक्षर ने सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि रचना उन्होंने की तो अक्षर के उस राज्य के आदेश से अक्षर ने जो रचना की तो सारा क्षर ब्रह्मांड अक्षर के प्रकाश से अक्षर के तेज से ये सारा प्रकाशित हुआ। इसलिए सर्वप्रथम राज्य ने अक्षर को आदेश दिया, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आदि कवि को ये ज्ञान दिया, ऐसा गुरु महाराज का अर्थ। ऐसे तो भागवत सिखाने वाले अलग अलग अर्थ करते हैं, निराकार परक अर्थ करते हैं, ईश्वर परक अर्थ करते हैं, कृष्ण परक अर्थ करते हैं, सृष्टि परक अर्थ करते हैं, पर गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परक क्षर अक्षर अक्षरातीत परक भागवत के पहले श्लोक का उन्होंने अर्थ करके हम सबको सिखाया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यही बोलते हैं वेदांतियों को कि ए सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत, सुखदेव मुनि महाराज ने भागवत में जो कुछ कहा है वो भी वेदांत ही है। सो इनो क्यों समझी जाए, पर ये वेदांति क्या है, हिंदू परंपरा में जो वेदांत पढ़ता है वो भागवत कम पढ़ता है, जो भागवत पढ़ता है वो वेदांत नहीं पढ़ता है, क्योंकि दोनों विषय अलग हो जाते हैं। वेदांत में निराकार ब्रह्म का निरूपण होता है, ब्रह्म निराकार है ऐसा करके बताया जाता है, और भागवत में ब्रह्म सगुण साकार है, कृष्ण प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, रास रमण करते हैं, तो सगुण साकार ब्रह्म के रूप में परमात्मा सबके सामने उपस्थित हैं। वेदांत में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, व्यापक है ऐसा तो कहा जाएगा, परंतु निर्गुण निराकार हैं। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासना कर चुका है, वो अध्ययन कर चुका है, वेदांत का अध्ययन कर चुका है, वो सगुण साकार ब्रह्म को मानता ही नहीं है, आखिर सब निराकार ही हो जाएगा, ये सगुण भी निराकार में जाकर के लय हो जाएंगे ऐसा कहेगा।
तो केवल भागवत अध्ययन करने वाले कहेंगे हमारे ब्रह्म का कैसे लय होगा, हमारे ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अखंड है, अनादि हैं। तो भागवत और वेदांत पढ़ने वाले का अलग अलग क्लास, अलग अलग शैली, अलग अलग क्षेत्र होता है। तो जो प्राणनाथ जी महाराज के पास जो वेदांती आए हैं वो भागवत के प्रमाण को नहीं मानते, वो वेद और उपनिषद के प्रमाण को ही मानते हैं या छह शास्त्र के प्रमाण को। भागवत तो ये पुराण है, पीछे लिखे गए पुराण ऐसा कहते हैं। और जो भागवत पढ़ता है वो कहता है कि सबका सार तो भागवत ही है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फला हुआ फल है। तो कल्प वृक्ष में वो स्वाद थोड़ा ही होता है जो फल में स्वाद होता है, वृक्ष में वो स्वाद नहीं होता है जो फल में मिलता है, इसलिए भागवत फल है, ऐसा कह करके भागवत जो अध्ययन करते हैं वो वेदांत की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं आप लोग वेदांत का अध्ययन करके आए हो, एक बार भागवत का अध्ययन करो और सुखमुनि ने जो बोला है उसको अच्छी तरह आप लोग परखो देखो। ओसी प्रकट प्रकाश निज बुद्ध को, अगर अच्छी तरह भागवत पढ़ोगे समझोगे और उसमें निज बुद्धि का प्रकाश, कहते हैं निज बुद्धि का प्रकाश है निज धाम की मूल बुद्धि का प्रकाश, वो है तारतम का प्रकाश। तारतम के प्रकाश से देखोगे, तारतम की दृष्टि से, देखने की दृष्टि अलग अलग होती है ना, तो तारतम की दृष्टि से भागवत को भी देखना है, वेद वेदांतों को भी देखना है, सारे शास्त्रों को देखना है, तो वहाँ तो परब्रह्म ही परिलक्षित होंगे, परब्रह्म ही दिखलाई देंगे। सो महामत देसी बता, इसीलिए ये सब बताने के लिए महामती होना पड़ेगा, महामती इस चीज़ को बता सकते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी ने उन सब के बीच ये बातें बताई तो सब चकित हो गए, देखते रह गए, सुनते रह गए कि हमारा अनुभव आपके समान, ये दृढ़ अनुभव और दूरगामी अनुभव हमारा नहीं था, ऐसा उन लोगों को एहसास होता है। बहुत सारे लोग श्री जी के शिष्य भी बन जाते हैं। तो यहीं आकर के ये प्रकरण 10 उपाय का प्रकरण भी पूरा होता है, वेदांत का प्रकरण और एक बचा है हमारे बीच। कई दिनों से हम लोग वेदांत को सुनते ही आ रहे हैं क्योंकि श्री जी के किरंतन ग्रंथ में वेदांत के प्रकरण आते हैं। तो भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, ये अंतिम प्रकरण है वेदांत का, ये भी हम लोग सुनते रहेंगे, एक चौपाई, दो चौपाई, कभी तीन चौपाई भी हम लोग सुनते हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, पूर्व पर उसका संबंध देखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो यही हमारा ज्ञान खंड है और यही हमारा सत्संग है, यही हमारी आत्मा की चर्चा है जो नित्य निरंतर हम लोग रस स्वादन कर रहे हैं। तो आज का समय यहीं पूर्ण होता है, आज के दिन जो भंडारे की सेवा हमें मिली है, राजभोग और भंडारे की सेवा, कालिम्पोंग निवासी श्री सत्यनारायण जी गर्ग और सुनीता गर्ग की सुपुत्री श्रद्धा गर्ग का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में परिवार की ओर से ये सेवा प्रदान की गई है। तो श्रद्धा को भी बहुत बहुत मंगल बधाई और सत्यनारायण जी, सुनीता और सपरिवार को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, मंगल बधाई देते हुए आज के इस चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए, हो से प्रकट प्रकाश निज बुद्ध को, सो महामत देसी बताए, सो महामत देसी बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। Yeah.
तरह